राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम पुस्तकों से जूझना। सीखने के कई ढंग हैं। प्रकृति को ध्यान से देखने पर हम पौधों और वृक्षों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में बहुत कुछ अध्ययन कर सकते हैं। दूसरे व्यक्तियों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अनुभव भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और स्कूल में तो हम शिक्षकों और किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं। पांच वर्ष की आयु में जब अपर्णा को हिंदी, अंग्रेजी और गणित की किताबें मिलीं तो वो बहुत प्रसन्न थी। पहले दिन पहली कक्षा में उसे तस्वीरों के अलावा कुछ बहुत अधिक समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि उसे किताबें, उनकी महक बड़ी अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रही थी। अध्यापिका ने उसे उन किताबों पर जिल्द चढ़ाने को कहा। उस दिन माँ को कोने की दुकान से भूरे रंग का कागज लाना पड़ा। उन्होंने उसकी किताबों और कॉपियों पर जिल्द चढ़ाकर उन पर साफ सुथरा नाम का लेबल चिपका दिया। दूसरे दिन जब अध्यापिका ने ये देखा कि उसकी किताबों पर बड़ी सावधानी से जिल्द चढ़ा दी गई है तो उसकी प्रशंसा की। तब अपर